नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25, क्लास 8, मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम। क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए आजकल क्या फैल रहा है, हमें पता है कि हम लोग किस माहौल में जी रहे हैं और किस तरह से हम लोग फेस कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक बहुत ही भयानक वायरस है, बीमारी है, जो कि इस सिचुएशन में हम लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए पिक्चर दिख रहा है, कंटेनमेंट जोन, नो एंट्री लिखा हुआ है। कंटेनमेंट जोन क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी इस यहाँ पे कि अगर 200% से ज्यादा हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे कोरोना से एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे बैनर लगा दिया गया, कंटेनमेंट जोन है, किसी की एंट्री नहीं हो सकती। तो टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया अबाउट हाउ एन एरिया क्विकली बिकम अ कंटेनमेंट जोन। बताया कि एक एरिया कैसे कंटेनमेंट जोन कुछ दिनों में बन जाता है। There was only one person, सिर्फ एक ही पर्सन था जो इन्फेक्टेड था कोरोना से बिगनिंग में, लेकिन बढ़ते गए संख्या बढ़ती गई और एक स्पेसिफिक पैटर्न उस पर अप्लाई हो रहा था। चलिए उसको मैथ की लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन है कितने दिन में कंटेनमेंट जोन हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 200 लोगों पे थे ना, 200 लोग कितने दिन में हो जाएंगे कोरोना से पीड़ित। तो पहले दिन क्या है, एक सिंगल पर्सन इन्फेक्टेड था, तो उसका पैटर्न बनेगा फर्स्ट ऑड नंबर यानी वन, टोटल हो गया वन, और वन होता है वन का क्यूब वन होता है, यानी वन इज परफेक्ट क्यूब। सेकेंड डे पीपल इन्फेक्ट हुए सम ऑफ नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले रहे हैं 3 और 5। वन के बाद 3 और 5 आते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 3 और 5 8 होगा, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो यानी दूसरे दिन में 2 का क्यूब। ध्यान दीजिए सेकेंड डे 2 का क्यूब, ठीक है। थर्ड डे में देखिए, यहाँ पे थर्ड डे में अगले 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 7, 9, 11, 27 होगा 3 का क्यूब। कौन सा डे है, थर्ड डे और उसी का क्यूब। फिर फोर्थ डे 4 का क्यूब होगा, कैसे आया 4 का क्यूब, 64 कैसे आया। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं 4, ध्यान देना है 4 कंसेक्यूटिव, जितने दिन है उतने कंसेक्यूटिव नंबर 13, 15, 17 एंड 19। अब इसको एड कर दीजिए, ये आ गया 4 का क्यूब। फिर फिफ्थ डे 5 कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर वो भी, ध्यान देना है आपको ऑड नंबर लेने हैं, तो यानी 19 के बाद क्या आता है 21, फिर 23, 25, 27 है 29, इनको हम ऐड करेंगे तो 125 होता है, जो कि 5 का क्यूब है। नेक्स्ट होगा 6 का क्यूब, यानी छठे दिन 6 का क्यूब होता है 216। अब ये बताइए 200 से ज्यादा हो गया ना, यानी छठे दिन ऑन सिक्स डे जो ऊपर का फिगर है वो छठे दिन कंटेनमेंट जोन में हो गया होगा, अगर ये मैथ का पैटर्न अप्लाई होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, अगर कंटेनमेंट जोन बन जाता है, विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन स्टेबलाइज, या वो रुक जाता है, या वो इंक्रीज होता है, या घटता है सेम रेट से, एक्सप्लेन करना है रीजन से। तो हम बताएंगे कि भाई आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, हम लिखेंगे इसे आंसर वन, क्या लिखेंगे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन ये बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट क्या होगा, मे डिक्रीज, घट सकती है कि नहीं घट सकती है। तो नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स में डिक्रीज या स्टेबल भी हो सकता है। तो ये देखिए लिखा हुआ भी है, इसके अंदर स्टेबिलाईज हो जाएगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप बताएंगे कि डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर डिक्रीज नहीं होता तो फिर इंक्रीज होता तो वो अप्लाई ही नहीं होता। अच्छा डिक्रीज कैसे होगा, क्यों होगा, रीजन से बताना है, एक रीजन भी लेके बताना है कैसे होगा, फोन गिर गया। हाँ तो रीजन क्या लिखेंगे बताइए, ये पूछा ना एक्सप्लेन योर रीजन, तो रीजन क्या लिखेंगे, क्यों घट सकता है, नेचुरल है बिकॉज कोरोना पेशेंट को सेपरेट रखा जाएगा, है ना, बिकॉज कोरोना पेशेंट आर
kept separate from other people, और लोगों से अलग रखा जाएगा और वहां पे उनका इलाज होगा. नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर एरिया, भाई कंटेनमेंट जोन कब बनाए, कितने लोग इन्फेक्टेड हो जाए तब, वो तो देखिए अपना हिसाब होता है. ऊपर लिखा था 200 पे भी हो सकते हैं, 100 पे भी हो सकता है, 200 पे भी हो सकता है, 150 पे भी हो सकता है, जो आपको आंसर लिखना है वो लिख सकते हैं इसमें से. क्वेश्चन 3, इफ नंबर ऑफ पीपल इज रिजाइडिंग इन एरिया, अगर लोगों की संख्या 3025 है तो हमें बताना है कि ऊपर का पैटर्न अप्लाई करना है, अबव पैटर्न लिखा है ना, कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया. तो देखिए वहां पे 6 दिन पे 6 की क्यूब 216 था, तो हम 10वें दिन देखें कितना होता है, 1000, ये ना 1000 होगा, और लेके देखें 11वें दिन 12वें दिन, ऐसे लेके देखिए आपके कितना आएगा, आप क्या देखेंगे, 14वें दिन पे जाइए अगर कैलकुलेशन करके रखेंगे तो, आप मैंने रखा है ये 14 डे पे आएगा ये 2744 एंड 15 डे पे 15 की क्यूब होगा और वो होगा 3375. अब ये इससे ज्यादा, इसका मतलब कि 14 दिन तक तो ठीक होगा, पूरी 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 आबादी कोरोना इन्फेक्टेड नहीं होगी, लेकिन 15वां डे जो ऑन 15th डे है, ऑन 15th डे उस दिन तो पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैल ही जाएगा. तो एक बार आप इसको करके देख लीजिए कैलकुलेशन कि 15 का क्यूब यही आता है ना, ठीक है, 15 × 15 × 15 तो यही आता है, ठीक है, और अब करके देख लीजिएगा इसको कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप 14 का क्यूब भी करके देख लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज, ये बताइए कि कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन जो ऊपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमेशा इंक्रीज होगा या कोई और पैटर्न भी हो सकता है, या फिर पैटर्न होगा ही नहीं विदाउट एनी पैटर्न. तो हम बताएंगे कि जो नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो जरूरी है कि वो इंक्रीज हो इस पैटर्न से, विदाउट एनी पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है. तो हम ये लिख देंगे इसका आंसर, आंसर नंबर 4, कि कोई भी पैटर्न हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो आंसर 4 कि द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स मे इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, जरूरत ना उसको अंदर पैटर्न लगे और अदर पैटर्न या कोई और पैटर्न लग भी सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो कोरोना तो किसी के कॉन्टेक्ट से ही फैलता है, तो जरूरी नहीं है कि वो इस पैटर्न से ही हो, किसी और पैटर्न से भी हो सकता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आप भी बताइएगा कि कोरोना से बचने के लिए आप कौन कौन से दो आदतें, अच्छी आदतें आप अपने हैबिट में आप लोगों ने लाई हैं, जो आप अपने घर वालों को भी बताते हैं और आप खुद भी करते हैं, दो आदतें आप अच्छी बताइएगा. टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 सेकेंड एंड थर्ड भी आपके सामने है.